है आज के जो हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा हो चुकी है उसके साथ साथ अभी अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा होनी है, जिसके लिए विज्ञान के प्रश्न अति आवश्यक प्रश्न होते हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंकों को ला सकते हैं, अंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी मेरिट बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से और ये जवाहर नवोदय की जो सीरीज शुरू हुई थी उसका ये 12वां अंक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास है, प्रकाश की किरण का किस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है प्रकाश से, है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप यहाँ समझिए प्रकाश की किरण, आप समझिए यहाँ पे जब कोई तल होता है और प्रकाश की किरण पड़ती है तो किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, मतलब जैसे किरण यहाँ से आई और यहाँ टकराई और ये वापस लौट गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए था हमारा प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी था प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी था प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन डी था प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि किरण पूरी की पूरी पलट रही है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक माध्यम है आपका, सघन माध्यम है, यहाँ से आके किरण पलट जाती है, ठीक है ना। तो ये घटना जो कहलाती है परावर्तन कहलाती है, क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, परावर्तन होगा। सही आंसर क्या होगा, परावर्तन होगा, क्या होगा, परावर्तन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 66 का, ऑप्शन डी होगा परावर्तन। जब किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में टकराती है और पूर्णतः वापस हो जाती है तो उसे हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है यहाँ पे। 67 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर, आपको पता है ना कि परमाणु बनते हैं, परमाणु कैसे बनता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु में प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको पता है पी होता है प्रोटॉन, तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, अगर दोनों की संख्या बराबर हो जाती है तो उस संख्या में क्या होगा, जब ये पी होता है ये पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और अगर ये ज्यादा होगा तो निश्चित बात है वो क्या होगा, आपका धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन जब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो उस संख्या में क्या हम बोलते हैं, वो उदासीन है, उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है मतलब न्यूट्रल है। तो पहला था धन आवेशित, ये नहीं होगा, दूसरा है ऋण आवेशित, ये भी नहीं होगा, तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, उदासीन, क्या हो जाएगा, उदासीन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा उदासीन, ऑप्शन सी उदासीन, क्या होगा, ऑप्शन सी उदासीन होगा, ऑप्शन सी उदासीन होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा 8 है। 68 क्या कहता है, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर, 40 डिग्री से ऊपर। अब यहाँ पे 40 डिग्री, थोड़ा सा इन क्वेश्चन लिखने में शायद गलती हुई, 40 डिग्री टेम्परेचर है होना, इसके साथ ही रेड व ड्राई स्किन होना, सिर में तेज बुखार होना सामान्य लक्षण है। 40 डिग्री जो होगा ये डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो होता है आपका, जो सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 37 डिग्री से ज़्यादा है इसका मतलब आपके बुखार, शरीर का तापमान ज़्यादा है। जब ज़्यादा होता है और शरीर पे क्या है, रेड व ड्राई होना है, शरीर का उसके साथ में शरीर क्या है, रेड और ड्राई हो रहा है, और सिर में तेज दर्द भी हो रहा है, तो लक्षण चेचक के नहीं है, चेचक में दाने पड़ते हैं तो चेचक नहीं हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर जो होता है, बहुत तेज बुखार आता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना।
तो ये मस्तिष्क ज्वर नहीं होगा, लू लगना हो सकता है और बुखार का सामान्य बुखार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है स्किन भी जो है उसकी ड्राई हो रही है और रेड है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा लू लगना। करेक्ट आंसर क्या होगा, लू लगना। करेक्ट आंसर क्या होगा, लू लगना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लू लगना। क्या होगा, लू लू लग जाती है, तेज गर्मी बुखार जब आता है, मौसम गर्मी होगा उसमें अधिकतर लू लगती है, तो लू लगने का हो सकता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी 67 का भी सी सही था, और जबकि 66 का ऑप्शन डी सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ। क्वेश्चन 69 क्या कहता है, अल्लाह का बाद है। नंबर ए, सऊदी अरब देश की प्राकृतिक सीमा। बी, भारत में कच्छ की खाड़ी के पास प्राकृतिक रूप से निर्मित बांध। ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान सीमा पर बनी हुई दीवार। ऑप्शन डी, हिंद महासागर में निर्मित पुल। देखिए, हमेशा क्वेश्चंस में आप तो जब करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए पेपर में, कि क्वेश्चन जब समझ में ना आए तो हमेशा ऑप्शन से आप नेगेटिव चलिए, मतलब जिसको बोलते हैं हमने एलिमिनेट करना, कौन सा नहीं हो सकता। हमें अगर ये नहीं पता है कि ये सही है तो हमें ये तो पता हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा गया हिंद महासागर में निर्मित पुल, हिंद महासागर में ऐसा कोई निर्मित पुल नहीं है। सी, अफगानिस्तान सीमा पर बनी हुई दीवार, ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे हो गए खत्म, सऊदी अरब देश की प्राकृतिक सीमा ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास जो बचा बी, वही हमारा सही आंसर है। भारत में कच्छ की खाड़ी के पास में प्राकृतिक रूप से निर्मित बांध को अल्लाह का बांध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा सही बी, जो कहाँ पे है, गुजरात कच्छ की खाड़ी के पास में प्राकृतिक रूप से निर्मित एक बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है, खुदरे तेल से होने वाले परावर्तन को कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी वो खुदरा तल है, खुदरा तल, खुदरा मतलब एक रफ जो सरफेस होता है उसको खुदरा तल बोलेंगे। खुदरे तल से होने वाले परावर्तन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी, नियमित परावर्तन। और ऑप्शन डी, अनियमित परावर्तन। परावर्तन है, निश्चित है परावर्तन है, लेकिन यहाँ पे तल की बात बोली गई, खुदरा तल है। जब खुदरा तल होगा सरफेस कहीं सही होगा कहीं सही नहीं होगा, तो ये जो परावर्तन होगा अनियमित परावर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन होगा हमारा डी सही, ऑप्शन डी सही होगा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन होगा, क्या होगा, अनियमित परावर्तन ये होगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे, अनियमित परावर्तन होगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, और 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण बराबर होता है। देखिए बात यहाँ पे, ठीक है ना, परावर्तन की क्रिया में, अभी हमने ऊपर ही बनाया था, परावर्तन की जब आप परावर्तन होता है तो एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है, आपतित किरण एक परावर्तित किरण। ठीक है ना, जब प्रकाश पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा। ठीक है ना, तो आप समझिए आपतन कोण जो बराबर होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जो एंगल आएगा ठीक उतना ही एंगल परावर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 71 का जो सही आंसर ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, परावर्तन कोण। क्या होगा, ऑप्शन सी किसके बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, और 72 क्या है, मापन। अभी मापन से आ गया भौतिक विज्ञान का, मापन के मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है,
ए न्यूयॉर्क में, नंबर बी स्वीडन में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी फ्रांस में है। कहाँ पे है? ऑप्शन डी 72 का फ्रांस में है। ऑप्शन डी फ्रांस क्या है? ऑप्शन फ्रांस में क्या है? जो मापन के मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग देखते हैं, उसी का क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप को सुरक्षित रखा जाता है ना? किसको रखा जाता है? प्रतिरूपों को। क्वेश्चन नंबर 73 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को पता है किलो का वजन होता है, लीटर का मापने का यंत्र होता है, तो कैसे निर्धारित होता है? इतना ही है ना, एक किलो का वजन जो है, कैसे एक किलो का वजन है, कौन बताता है कि एक किलो का वजन है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन उसी पे आधारित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो मानक मात्रक है, जैसे एक किलो की कोई भारी वजन की वस्तु है, वो कहाँ पे रखी गई है? वो सुरक्षित है, और उस सुरक्षित कहाँ रखी जाती है? जो हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, NPA जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रखा होता है सामान है, ठीक है ना? उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसके वजन के बराबर जो कोई चीज़ होती है उसको मान लिया जाता है, ये वजन उसके बराबर है। जैसे एक किलो का जो वहाँ पे भार रखा हुआ है उसके बराबर अगर कोई चीज़ है तो उसको एक किलो का वजन मान लिया जाएगा। तो ये कहाँ पे है? NPA नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना? कहाँ रखा जाता है? NPA में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ऑप्शन 73 का डी सही है। तो ये नोट कर लीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं, लास्ट इंस्टेंस मतलब इस सीट का लास्ट, 74 हमारे हो चुके हैं। 74 क्वेश्चन क्या है? बार्क, बार्क शॉर्ट फॉर्म होता है BARCK, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क केंद्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो आपको सबको बताया, जैसे नामी भाभा है तो भाभा किसका नाम था? होमी जहांगीर भाभा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद होना चाहिए, बार्क के जो संस्थापक थे वो होमी जहांगीर भाभा थे। तो इसमें आपको बहुत समय नहीं लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको टंग पे लर्न होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना? इन्हीं के नाम पे आपका बार्क सेंटर बना हुआ है, ठीक है ना? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सीट पे चलते हैं, और नेक्स्ट सीट पे हमारे क्वेश्चन 75 से हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन 74 तक अभी हमने पीछे वाले स्लाइड पे किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे आते हैं। 75 को क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ओके, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ जो पाया जाता है उसको डी निकिल। ओके, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एल्युमिनियम, सिल्का, लोहा और निकिल। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। क्या? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? और करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, निकिल। ओके, कौन सा है? निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे आते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बहता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ना, आपको पता है ना, पृथ्वी में जो आप देखते हैं साउथ नॉर्थ पोल सारा होता है, तो किस दिशा में बहता है? दिशा में बहता है मतलब उसका जो एरिया होता है कैसे चलता है। तो आपको पता है ना, हमेशा ऊपर नॉर्थ रहता है, यहाँ पे साउथ होता है, ये पृथ्वी अगर ऐसी हो तो कैसे चलता है? ऐसे ऐसे है ना, तभी आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे हमेशा वो निर्भर होता है, क्योंकि बाकी तो ऐसे पृथ्वी रोटेट कर रही है, बाकी पृथ्वी तो आपकी रोटेट कर रही है ना, लेकिन ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट रहते हैं, ठीक है ना? इसी वजह से दिशाएं, नहीं तो अगर हो तो चारों दिशाएं हमेशा पूरे दिन में चक्कर पृथ्वी लगाती है और आपकी दिशाएं बदल जाएंगी, ठीक है ना?
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही आंसर है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बहता है, केंद्र की ओर बहता है, गलत है, उत्तरी से दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की ओर बहता है, ऑप्शन बी है, जबकि दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर बहता है, ये ऑप्शन करेक्ट है सी। मतलब कैसे बहता है, ऊपर से, सॉरी नीचे से साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है दिशा में बहता है। उम्मीदें समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैसे साउथ टू नॉर्थ, कैसे दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र चलता है। क्वेश्चन 77वां है विश्व, क्वेश्चन 77वां है विश्व ग्लोब के जनक। ग्लोब आप जानते हैं पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है उसे ग्लोब बोला जाता है। पृथ्वी का एक मानक रूप जो होता है, जियोबोर्ड जो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। और उसके जनक कौन थे, तो जनक एक नाम है तो याद होना चाहिए, मार्टिन ग्लैम, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी सही है, लुई पाश्चर है, ऑप्शन ए ये नहीं है। जबकि ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, मार्टिन ग्लाहिम, ऑप्शन बी मार्टिन ग्लाहिम, ऑप्शन बी मार्टिन ग्लाहिम। तो 77 का ऑप्शन बी मार्टिन ग्लाहिम, मार्टिन ग्लाहिम, ऑप्शंस बी मार्टिन ग्लाहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 78। एक प्रकार की भिन्नत जिसमें जीव विभिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं कहलाता है। एक प्रकार की कैटेगरी होगी जिसमें जीव विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रूप प्रदर्शित करते हैं कहलाता है। तो क्या है ये, क्योंकि भिन्न भिन्नता है, एक प्रकार की भिन्नता है जिसमें विभिन्न लक्षण प्रूप प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या होता है, उत्परिवर्तन नहीं होता है, विभिन्नता हो सकती है, ठीक है ना, आनुवंशिकता नहीं हो सकती है, आकस्मिक घटना नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी विभिन्नता, ऑप्शन बी विभिन्नता। 78 का जो करेक्ट आंसर है बी, क्या बी विभिन्नता, क्या होती है विभिन्नता, विभिन्नता। ओके 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु बम के आविष्कारक। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए। किसी चीज के आविष्कारक अगर पूछा जाता है, जैसे परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, तो जूलियस रॉबर्ट ओपनर नाम था, ठीक है ना। तो इनका आंसर हमारा हो जाएगा 79 का, ऑप्शन दे भी दिया है यहाँ पे, ऑप्शन डी दिया है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है ना। ऑप्शंस डी 79 का है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है ना। परमाणु बम के ये आविष्कारक थे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, ये आपको पता होगा। आंसर 80 का हो जाएगा नाभिकीय विखंडन का, ऑप्शन दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण पे नहीं है, संवेग संरक्षण पे नहीं है, नाभिकीय विखंडन सही आंसर है। और ये आंसर है आपका सी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एड्स बीमारी से उत्पन्न होने वाले वायरस का नाम है, एड्स बीमारी उत्पन्न करने वाले वायरस का नाम है, मतलब एड्स की बीमारी जो होती है जिस वायरस से होती है उसे हम क्या बोलते हैं, HIV, HIV वायरस का नाम होता है, HIV। क्वेश्चन 81 का
सही आंसर है बी, HIV जो होता है इसी की वजह से एड्स होता है। एड्स होता है, एड्स क्या है, एक बीमारी है, ठीक है ना, जिसमें आपके बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती है और शरीर के अंग धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना, और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 81 का है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82, भारत में एड्स वायरस से सर्वाधिक संक्रमित व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है, मतलब भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोग हैं। तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र मुंबई। 82 82 का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य है किसका, भारत का, जहाँ पे सर्वाधिक एड्स या HIV पॉजिटिव लोग हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग। 83 क्वेश्चंस है, HIV वायरस अनुवंशिक पदार्थ होता है, किसका होता है, 83 RNA का, किसका होता है RNA, सिंगल स्टैंड RNA, क्या होता है, सिंगल स्टैंड RNA। ऑप्शंस ए सही हमारा है, कौन सा, 83 का ऑप्शन हमारा ए सही है। तो एड्स जो होता है वो किससे, वायरस का जो अनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से होता है। तो हमारे क्वेश्चंस 83 तक हो चुके हैं, नेक्स्ट सीट पे हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट सीट पे क्वेश्चंस हम 84 लेते हैं। क्वेश्चन 84 है, साबुन का सूत्र होता है, ये सबको रटा होगा, साबुन, साबुन, साबुन से याद आ रहा होगा आपको, क्या साबुन का सूत्र होता है, इन्होंने अलग कर दिया है सोडियम पोटेशियम को, एक में कर लिया है इन्होंने, थोड़ा सा लिखने में तरीका ये अलग हो गया है, C17H35COK, मतलब पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था ए और बी दोनों, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, साबुन का सही जो सूत्र इन्होंने लिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार, इसका सही जवाब है सी, क्या है, सी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का प्रमुख घटक होता है, साबुन का प्रमुख घटक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे साबुन का प्रमुख घटक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका है, साबुन का प्रमुख घटक होता है, ऑप्शंस ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रमुख घटक होता है, ठीक है ना। साबुन के घोल में बुलबुले क्यों बनते हैं, क्वेश्चन है 86, साबुन के घोल में सबको पता होगा, साबुन हो या सर्फ हो, उसको अगर पानी में हम लोग घोलते हैं तो बुलबुले बन जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन जो गैस निकलती है हाइड्रोजन के कारण, ठीक है ना, क्या होते हैं, बुलबुले पड़ जाते हैं, किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही है, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके कारण उसमें बबल्स पड़ जाते हैं, बुलबुले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन 87 पे हम लोग पहुँचते हैं, 87 है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, निश्चित बात है जब कोई चीज़ विरोध किया जाए तो विरोध कौन करेगा, उसका उल्टा विरोध करता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है ना। धारा प्रवाहित अगर हो रही है
आपको पता है, तो बीच में ट्रांजिस्टर या कोई भी चीज लगा दी जाती है जिसको हम रेजिस्टेंट बोलते हैं, और प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन सी सही है, 87 का सी सही है, जो धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंट बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस, हाँ ये क्वेश्चन 88 पे है। सेल्सियस पैमाने पे 98.6 डिग्री फारेनहाइट का मान कितना होता है? देखिए, बिल्कुल अभी इससे पहले क्वेश्चन एक आया था जिसमें शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो मैंने कहा था इसके हल्का सा बुखार है, क्योंकि सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे देखिए, यही ऑप्शन इसका पहला ही दे दिया, तो ऑप्शन ए सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस शरीर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर फारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होता है स्वस्थ मनुष्य का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे हम लोग, और 89 है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं? अब आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल की परतें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? छोड़, सम, है ना, आया बाहर, छोड़ सम मैं आया बाहर, ठीक है ना, मैं आया बाहर, ठीक है ना, बाहर का मतलब वाह है, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। छोड़ जो आपका नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है ना, फिर समताप मंडल हो गया और ये आयन मंडल हो गया। मेन चीज है आप यहाँ पे जो बात हो रही है, किस मंडल से बात हो रही है, तो वो मंडल आपका है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। तो जो आपके जितने भी उपग्रह होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते, मतलब वहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं वायुमंडल में? वो आयन मंडल में होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, और बी है हमारा आयन मंडल, सॉरी 89 का, सॉरी ये 89 का है बी, और 89 का बी है क्या? आयन मंडल। जो हमारे उपग्रह होते हैं वो कहाँ होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग हैं, क्वेश्चन 90 पे। 7 जून 1979 को प्रक्षेपित भारत के दूसरे उपग्रह का नाम, ठीक है ना, दूसरा उपग्रह हमारा कौन था? आर्यभट्ट, जबकि पहला उपग्रह हमारा रोहिणी था। तो दूसरा उपग्रह हमारा है बी, आर्यभट्ट, ठीक है ना, दूसरा उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 7 जून 1979 को। पृथ्वी की अस्थिर परत है, अस्थिर परत मतलब जो निश्चित नहीं है वो बाहर वाली है, क्योंकि आप उसमें है, क्या करते हैं, सारा मूवमेंट उसी में होता है, तो अस्थिर बोली जाती है। तो 91 का सही जवाब है, पहली परत को भूपर्पटी बोलते हैं पृथ्वी की। आप अगर लेयर की बात करेंगे तो पृथ्वी में लेयर में कौन कौन सी होती है? पहली वाली भूपर्पटी होती है, ये वाली भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी, फिर यहाँ से आपकी कौन सी आती है? तीन परतें मुख्यतः होती हैं, भूपर्पटी, मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोड या कोर, ठीक है ना, क्रोड। ये तीन मुख्यतः परतें होती हैं। तो यहाँ पे जो परत की बात हो रही है, पृथ्वी की जो अस्थिर परत होती है वो भूपर्पटी होती है। पृथ्वी का आकार होता है किस तरह होता है? पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर सपाट और किनारों पर बिल्कुल गोल होता है, ठीक है ना, ध्रुवों पर सपाट और किनारों पर गोल होता है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो 92 की अगर हम बात करें तो 92 का सही आंसर है सी, जो पृथ्वी का जो ये ऊपर के जो सिरे होते हैं वो हल्के से क्या होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और जबकि किनारे जो होते हैं वो ध्रुवों पर सपाट होता है और किनारों पर बिल्कुल गोल होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, और हम लोग नेक्स्ट सीट लेंगे क्वेश्चन 93 पे आते हैं। और 93 का हमारा शीशे का गलांक, याद होना चाहिए शीशे का गलांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो शीशा आपका मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही है 93 का डी। 94 पे आते हैं, ऊर्जा का पिरामिड सदैव बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव बनता है, सीधा, कभी कभी सीधा, सीधा उल्टा और हमेशा उल्टा, ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चंस ऑप्शन में जैसा दिया गया है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव बनता है, हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, और ऑप्शन है ए। ओके 95 पे आते हैं, उत्परिवर्तन के जनक क्या है, ह्यूगो डी ब्रीज है, ऑप्शन बी। 95 पे आते हैं, 95 का सही जवाब है ह्यूगो डी ब्रीज। इसके जनक हैं, उत्परिवर्तन के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे बढ़ते हैं, कम वसा वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन साथ साथ आयरन और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के उत्कृष्ट स्रोत कौन से हैं। तो चिकन, टर्की, पोर्क, उपरोक्त सभी, तो हम सभी पे आते हैं। तो 97 का सही आंसर है डी, जैसा ऑप्शन में दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सही है डी। 97 पे आते हैं, खाने में प्रयुक्त किया जा सकने वाला वनस्पति प्रोटीन का आसानी से उत्पन्न स्रोत है, वो होता है सोयाबीन। वनस्पति से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो होता है सोयाबीन में, किसमें, सोयाबीन, मतलब वेजिटेरियन में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो प्राप्त होता है वो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन एक प्रकार का फल होता है और उससे ऑयल भी निकलता है। तो सही आंसर हमारा बी है 97 का, सोयाबीन की बड़ी लोग खाते हैं। 98 पे आते हैं, सदैव उल्टा बनने वाले पर्दे पर प्राप्त किए जा सकने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं। 89 का आंसर होगा बी, वास्तविक प्रतिबिंब। कहा क्या गया है, सदैव उल्टा बनने वाले और पर्दे पर प्राप्त किए जा सकने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो आप पिक्चर हॉल में अधिकतर उसका प्रयोग किया जाता था। 99 पे आते हैं, समतल दर्पण में अपना बायां हाथ दाहिना दिखाई पड़ने की घटना कहलाती है, ये क्या होता है, पार्श्व, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो आंसर 99 का सही हमारा है ए, 99 का हमारा सही आंसर है ए, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट का राइट हो जाता है। शीशे में आप किसी भी अल्फाबेट को आप करिए तो आप उसकी चीज को अनुभव करेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है, कौन करेगा, पॉलिश्ड खुदरी सतह, पॉलिश चमकीली सतह, एल्युमिनियम शीट और पॉलिश पेपर। तो सही है पॉलिश चमकीली सतह जो होती है वो 100% या सर्वाधिक परावर्तन करती है। तो आंसर हो गया हमारा डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में आपको समझाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, अध्ययन कर लें, जो अभी आने वाली परीक्षा अटल आवासीय योजना परीक्षा होने वाली है, तो इससे पहले भी 11 मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा चुके हैं, तो आप उसको भी देखिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें।
धन्यवाद।